स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 4, फेरीज, है ना। इससे पहले हम थर्ड चैप्टर पढ़ चुके थे, वो फैंटेसीज स्टोरी की थी, इट मींस इमेजिनेशन, वाइट रैबिट। अब हम पढ़ेंगे फेरीज की। तो फेरीज कोई रियल में तो होती नहीं, ये सिर्फ हमारी किस्से कहानियों में या फिर हमारी इमेजिनेशंस में हो सकती हैं। नाउ स्टार्ट, लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ लिटिल बॉय हु होप्स टू फाइंड अ फेरी सम डे। ये एक पोएम एक ऐसे बच्चे की है जो होप का मतलब एक उम्मीद रखता है कि वो एक दिन किसी फेरी से यानी कि परी से मिलेगा। पोएम नेम इज फेरीज। ग्रैंडपा सेड दैट सम टाइम व्हेन स्टार आर ट्विंकलिंग एंड अ न्यू मून शाइन देयर कम्स टाइम व्हेन फॉग सी फेरी लैंड। फॉग का मतलब होता है पीपल। तो इस लाइन का मतलब है कि ग्रैंडपा सेड दैट सम टाइम, ग्रैंडपा कभी कभी कहते हैं, ग्रैंडपा मतलब दादाजी, व्हेन स्टार आर ट्विंकलिंग जब आसमान में तारे चमकते हैं, अ न्यू मून शाइन जब आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, और एक नया मून, पूर्णिमा के दिन का मून कैसा होता है, चांद कैसा होता है, बिल्कुल खिला सा, बिल्कुल रोशनी वाला, पूरे आसमान को जगमगा देता है, रोशनी भर देता है। तो दादाजी कहते हैं कि जिस दिन आसमान में तारे बहुत चमकते हैं, नया मून निकलता है, उस दिन जो लोग होते हैं, व्हेन फॉक्स सी अ फेरी लैंड, सी अ फेरी लैंड का मतलब उस दिन आसमान में लोग जो परियां होती हैं उन्हें देख सकते हैं। सो व्हेन देयर इज नेक्स्ट अ न्यू मून आई मीन टू वॉच ऑल नाइट। तो बच्चा कहता है कि अब जब अगली बार नया मून निकलेगा, आसमान में नया चांद निकलेगा, उस दिन मैं पूरी रात चांद को देखूंगा। ग्रैंडपा सेज अ ब्लू मून इज बेस्ट फॉर अ फेरी लाइट, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि जब नया मून निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है उसमें हमें परियां दिखाई देती हैं। एंड इन अ पीच ब्लूम मे बी इफ आई लुक आई शैल सी अ लिटिल फेरी बेबी नो बिगर देन अ बी। पीच ब्लूम एक तरीके का फ्लावर होता है। तो बच्चा कहता है कि मे बी पॉसिबल कि किसी दिन मैं एक पीच फ्लावर के ऊपर एक छोटी सी फेरी देखूं। छोटी सी फेरी मीन्स एक फेरी का बच्चा जो कि सिर्फ एक मधुमक्खी के आकार का हो, तो उसकी विश क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ये बच्चे की इमेजिनेशन थी, ऐसा कभी भी नहीं होता, परियां एक्चुअल में नहीं होती, ये सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। और इस पोएम को लिखा है एल्विन स्टीन ने। सो लेट्स रिमाइंड द लाइंस, ग्रैंडपा सेज दैट सम टाइम व्हेन स्टार आर ट्विंकलिंग एंड अ न्यू मून शाइन्स देयर कम्स टाइम व्हेन फॉग सी फेरी लैंड सो व्हेन देयर इज नेक्स्ट अ न्यू मून I mean to watch all night. Grandpa says a blue moon is best for fairy light. And in a peach bloom maybe, if I look I shall see a little fairy baby no bigger than a bee. Have a good day.